सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज बहुत मजा आने वाला है। हम लोग आज देखेंगे हमारा दोस्त का जो शादी मुबारक आज है, तो शादी का पूरा माहौल दिखाएंगे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी जो है हमारा दोस्त ने बुलेट अभी स्टार्ट कर चुका है। उसके साथ में मेरा और एक दोस्त भी बैठने वाला है। ये जो है दूल्हा का गाड़ी है, क्योंकि दूल्हा का गाड़ी अभी निकलेगा वहाँ पे। के साथ में जो ये पीछे जो है थोड़ा सा हम उनका जो परिवार है, परिवार वाले उसमें जाएंगे। और ये पीछे जो है मेरा दोस्त भी उनके जीजा के साथ गाड़ी में निकल रहा है। सामने जो है मस्जिद है, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल गए। तो ये जो पीछे जा रहे हैं सब बोलेरो में सब निकल रहे हैं। उनके फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स है, जो उनके सिस्टर है, जीजा है और बहुत सारे लोग है। और जो है बाइक में निकल के जाएंगे, इसलिए हम लोग बाइक में निकल के जा रहे हैं। तो हमारा दोस्त जो है पूरा फुल एंजॉय के साथ में आ रहा है एकदम। तो हम लोग बस मजा कर रहे हैं। तो इस माहौल में जो है एक गाना तो बनता है शादी के लिए। तो अभी जाना है हम लोग को फिलहाल जो है 8-9 किलोमीटर जाना है बाइक से। तो साथ में हम लोग रास्ता भी थोड़ा क्लियर था, दोपहर का मौसम था, तो सब निकल रहे हैं पटापट से। दूल्हा का गाड़ी है और ये जो है तीन, और सामने दो चल गया है, सामने से दो चला गया और जो ये तीन है, बाकी का पांच गाड़ी में जो है उनका फैमिली मेंबर्स है, बाकी दोस्त यार है। और हम लोग जो है बाइक से निकल रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे सामने रोड थोड़ा जाम था। सो हम लोग इधर इसलिए थोड़ा रुक गए। बस उसके बाद थोड़ा रुकने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। तो ये सामने जो है घर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, जो यही है वो दूल्हा का जो है दुल्हन का घर है। तो हम लोग यहाँ पे पार्क करेंगे गाड़ी को। तो एक एक करके जो है सब सारे बाइक को जो है पार्क किए, और साथ में जो है हम लोग अभी इस घर पे जाएंगे। तो वहाँ पे जो है उनके अंदर जो है सब कुछ इंतजाम रखा है। तो ये भाईजान जो है दूल्हा का बड़े भाई है, तो बहुत ही खुश है। दूल्हा से ज्यादा दूल्हा का भाई लोग ज्यादा खुश है, पता नहीं क्यों। लगता है मेरे को जितना लगता है कि शायद दूल्हा का जो है 4-5 से ज्यादा साल ही होंगी शायद, इसलिए भाई लोग भी ज्यादा खुश है, मैंने सुना है। तो यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे है, जो बारात पूरा रेडी हो चुका है अंदर जाने के लिए। सामने जो है अभी दूल्हा को आना बाकी है, तो हम लोग दूल्हा के साथ में निकलेंगे, तो इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो ये जो है गेट है, गेट में थोड़ा अभी जो है कुछ रूल्स रवाज होता है गांव का, वो चलेगा। इसलिए जो यहाँ जो लोग बोल दिए कि जो बारात यहाँ खड़ी थी उनको बोले कि तुम लोग पहले निकल जाओ, क्योंकि अभी दूल्हे के साथ में थोड़ा तो यहाँ बहस होएगा, क्योंकि वो कुछ रवाज होता है जो छोटे छोटे साले लोग होते हैं, साले का कुछ सवाल जवाब होता है। तो वो सवाल जवाब देने के बाद जो है यहाँ से हम लोग गुजर सकते हैं। तो इसलिए अभी उनका क्या रीति रिवाज है अभी देखेंगे। आप लोग वीडियो में देखते रहना, मजा आने वाला है आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है उनके 2-4 साला जो है यहाँ पे रह चुके हैं, जो फीता वीता काटने के लिए अभी यहाँ पूरा तैयारी है। पूरा मिठाई का जो है प्लेट लेकर और शरबत का जो प्लेट लेकर पूरा रुका हुआ है, जूस वूस पूरा रखा है इसके अंदर। तो पहले एक एक करके सब पिला रहे हैं। तो पिलाने के बाद जो है अभी इनको सवाल करने वाले हैं। सवाल करने के बाद अभी पता चलेगा क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो अभी देखेंगे। हाँ हम लोग एक दंग है, हाँ, किंतु हम लोग तुम जो जितना कहे हो उसमें इंग्लिश में कहना होगा, यू हैव टू टॉक टू इंग्लिश, ओके रिमाइंड, यू हैव टू टॉक टू इंग्लिश, अदरवाइज यू आर नॉट पेइंग, ओके यू गेट इट, नो प्रॉब्लम, व्हाट यू वेयर, you are wrong, that's why you are afraid. So what do you think? He say exactly right? क्या भाई कितना है?
पहले का मंडल देखने मिलते हैं। नहीं थोड़ा मोटा होना गड्डी जैसा मोटा चाहिए ले ले, 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 ले इतना लोग अरबी तो थोड़ा देर रुकने की बात तो है। जो पैसा का डिमांड हुआ तो पैसा का डिमांड में एक बीच में एक जो फैसला हुआ, फैसला होने के बाद जो है कैंची है वो दूल्हे को मिला, दूल्हे को मिल चुका है। तो दूल्हा अभी जो है कैंची में दो तो उनको अभी पहले बैठे तो मोटू साजा 5 से 1 तरह के